स्टूडेंट्स, नवभारती टीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो है ज्ञान की विशेषताएं। कल मैंने जो दो आपको ज्ञान की विशेषताएं बताई उसमें था अपराज्ञान पराज्ञान, ये मैंने कल उनकी आपको विशेषता बताई थी। जो नया आज हमारा टॉपिक है स्थानीय ज्ञान की विशेषताएं, अर्थात स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान। जैसा मैंने बताया कि स्थानीय ज्ञान होता है किसी स्थान विशेष से संबंधित, यानी कि किसी स्थान से पार्टिकुलर किसी जगह से जहां उस चीज के बारे में हम ज्ञान देते हैं वह स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान कहा जाता है एक सीमित यानी एक क्षेत्र तक सीमित रहता है, वो ज्ञान एक अपने स्थान विशेष से संबंधित होता है। हम उसी क्षेत्र का अवलोकन करते हैं। कहा जाता है कि स्थान विशेष में जो स्थानीय ज्ञान होता है वो पल पल में बदलता रहता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान बहुत ही छोटा होता है, इसे एक सीमित ज्ञान भी कहा जाता है। इसी स्थानीय ज्ञान की विशेषता में पहला पॉइंट जो है हमारा वो है सांस्कृतिक ज्ञान, अर्थात हमने देखा है जो हमारी संस्कृतियाँ होती हैं, हमारे सांस्कृतिक जो भी पक्ष है सांस्कृतिक पक्ष का ज्ञान, वो स्थान विशेष का हर जगह का अलग अलग होता है। इसीलिए ये स्थान जो हमारा स्थानीय ज्ञान है ये बहुत ही छोटा होता है। सेकंड है हमारा परिवर्तनशीलता। सेकंड ज्ञान है हमारा परिवर्तनशीलता। परिवर्तन यानी कि काल तक स्थानीय ज्ञान दिन प्रतिदिन पल पल बढ़ता रहता है और घटता रहता है, अर्थात परिवर्तित होता रहता है। इसमें परिवर्तन का नियम है कि स्थानीय ज्ञान कभी भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रहता है, वह परिवर्तित होता रहता है। ये है स्थानीय ज्ञान की विशेषताएं। जो स्थानीय ज्ञान पल पल में बदलता ही रहता है, यानी कि यह एक लंबे समय तक स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहता। हमने जैसे कल ही मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि स्थानीय ज्ञान में हमने देखा, अगर किसी कुएं का एक पानी जो जिस कुएं का पानी बहुत मीठा है और इस साल बारिश न होने के कारण अगर उस कुएं में पानी ना हो तो उस पानी को खत्म होने के बाद हम उसका टेस्ट पता ही नहीं है, यानी उस स्थान की पहचान उस कुएं से थी। जब उस कुएं में पानी ही नहीं तो हम उस स्थान की क्या विशेषता कर सकते हैं, अर्थात ये परिवर्तित है, ये किसी भी रूप में परिवर्तित होती रहती है। कभी वह पानी के रूप में, कहीं वो भाषा के रूप में, कहीं हमारी किसी स्थिति के बारे में, ये हमारे परिवर्तन उसमें चलते रहते हैं। थर्ड है हमारा दार्शनिक विचार। स्थानीय ज्ञान में दार्शनिक विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो हमारे विचार होते हैं वो एक उसी क्षेत्र उसी जगह से संबंधित होकर रह जाते हैं। जहां हम सार्वभौमिक ज्ञान की बात करें तो सार्वभौमिक स्तर हमारा एक लंबा होता है, यानी कि हम इसे जो ये हमारा सीमित होता है ये हमारा असीमित होता है, तो उसी तरीके से हमारे दार्शनिक विचार हैं वो एक सीमित रह जाते हैं। हम उस क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर हम नहीं सोच पाते हैं। हम जो भी सोचते हैं हम अपने उसी क्षेत्र और उसी विशेष के अकॉर्डिंग हम उसके बारे में सोचते हैं। तो कहा जाता है कि दार्शनिक विचार का भी स्थानीय ज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह एक उसकी विशेषता होती है, क्योंकि इसमें दार्शनिक विचार जो होते हैं वो हमारे क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यहाँ है हमारी परंपराएं। हमने देखा है हर जगह की प्रत्येक जगह की अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं। हमने देखा अगर हम इस चीज़ को देखें कि एक छोटे हमारे क्षेत्र में भी देखें तो प्रत्येक घर में, जरूरी नहीं है कि हमसे कुछ दो घर छोड़ के भी उनकी परंपराएं भी अलग हो सकती हैं, यानी कि परंपराएं हर क्षेत्र की परंपराएं रीति रिवाज उनके सभी चीज़ जो हमारे कल्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सभी के उस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो परंपराएं भी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, ना कि हम देखें कि हमारे पूरे देश में जो चीज़ें, हम देखें कि हम जो 26 जनवरी 15 अगस्त हम त्यौहार जो अगर हम जो त्यौहार भी मनाते हैं तो उस क्षेत्र विशेष में जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में जैसा मनाया जाए वो प्रत्येक जगह मनाया जाए। हर जगह अपने रीति रिवाजों को अलग तरीके से निभाया जाता है। तो ये स्थानीय
है। हमने देखा है कि कहीं गर्मियों में भी बाजरा खाया जाता है, तो क्यों है? वो उनका खान पान है, उनके खान पान अर्थात यही चीज जो हमारे सामाजिक मूल्य में आते हैं, वो हमारा खान पान रहन सहन ये हमारे सामाजिक मूल्य में आते हैं। खान पान रहन सहन इत्यादि हमारे सामाजिक मूल्य के अंदर आते हैं। जो हमने बताया सांस्कृतिक पहचान हमारी संस्कृति से संबंधित होता है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र की अपनी संस्कृति अलग अलग होती है, हर जगह संस्कृति को निभाने का तरीका अलग होता है। सेकंड था परिवर्तनशीलता, इसमें बताया गया कि स्थानीय ज्ञान हमेशा परिवर्तित होता है। कहते हैं संसार का नियम है परिवर्तन होना, तो लेकिन यहाँ जो स्थानीय विशेष से हम संबंधित रखें तो स्थान विशेष में परिवर्तन जल्दी होता है, क्योंकि वह स्थानीय ज्ञान एक तरह से स्थायी ज्ञान नहीं होता है। दार्शनिक विचार, सभी दार्शनिकों के जो विचार अगर हम देखें तो इसमें स्थान से संबंधित होगा, तो यहाँ वो अपने स्थान से संबंधित अपने विचारों का जो विचार अपने प्रकट करेंगे वो अपने स्थान से संबंधित विचार प्रकट करेंगे। परंपराएं हमारी सबकी अलग अलग होता है, हर क्षेत्र की अलग होती है। अब है सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य मैंने बताया अपना खान पान रहन सहन इत्यादि। पर्यावरणीय ज्ञान जो हमारे पर्यावरण से संबंधित होता है, एक हमने देखा है कि एक हम जब किसी चीज की हम मौसम विभाग से पर्यावरण की हम जानकारी लेते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि पार्टिकुलर हम जब किसी स्टेट का लेते हैं तो पूरा स्टेट आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं पर्यावरण भौतिक ज्ञान, तो ये हमारे कहते हैं कि जिस तरीके से बोली और बोली जो होती है हमारी पग पग पर बदलती है, उसी तरीके से मौसम भी हमारा जो पर्यावरण है वो भी कुछ दूर में हमेशा बदलता रहता है। हम कुछ एग्जांपल देखें कि हो सकता है आधा किलोमीटर पहले बारिश हो रही है और आधा किलोमीटर बाद वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही, तो ये पर्यावरणीय ज्ञान है, यानी कि हर क्षेत्र का उस जगह का उस क्षेत्र का पर्यावरण अलग अलग होता है। हमारे जो पर्यावरण का आंकलन हम देखें कि हम पूरे भारत का पूरे स्टेट का अगर हम वो मौसम को पर्यावरण एक रखें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरण हर टाइम बदलता रहता है। तो यहाँ स्थान विशेष में एक क्षेत्र का पर्यावरण आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमित क्षेत्र। स्थानीय ज्ञान की जो विशेषता है वो है एक सीमित क्षेत्र, यानी कि एक छोटा रूप। सार्वभौमिक ज्ञान की तुलना में हमारा स्थानीय ज्ञान एक छोटा ज्ञान होता है, अर्थात सीमित ज्ञान होता है, जो कि हम एक छोटी छोटी चीज में हम देखते हैं, हमारे आंकड़े भी छोटे होते हैं, हम जिस चीज से इसका कंपेयर करें सार्वभौमिक ज्ञान का, तो हमारा इसका क्षेत्र बहुत ही इसकी तुलना में बहुत कम होते हैं। सीमित क्षेत्र होते हैं, एक लिमिट होती है उसकी कि हमें हमारी लिमिटेशन यहाँ तक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे आंकड़े के गुणात्मक। इसमें कहा जाता है कि जो हमारे आंकड़े बनाए जाते हैं स्थानीय ज्ञान के हमारे आंकड़े हैं वो हमारे कैसे होते हैं गुणात्मक। हमने देखा है कि गुणात्मक और मात्रात्मक दो होते हैं, तो यहाँ जो हम कहते हैं वैलिडिटी और एक होता है मात्रात्मक। यहाँ से हम अपने क्या करते हैं, हम गुणों की पहचान करते हैं। यानी मैं बता दूं, हम ये कहते हैं कि स्वाद में खाना अच्छा है, यानी कि हमने देखा कि हम किसी बच्चे का देखें कि हमने बच्चे का जब कॉलेज में आते हैं या कुछ आता है तो उनके व्यवहार की जो गणना करते हैं वो हम गुणात्मक में करते हैं, लेकिन जो हम उसका परिणाम निकालते हैं, जो हम उसकी परसेंटेज बनाते हैं वो हमारी मात्रात्मक में आती है, यानी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, यानी कि इसमें आंकड़ों का गुणात्मक। ये हमारे जो भी ज्ञान है स्थानीय ज्ञान वो हमारे गुणात्मक की श्रेणी में आते हैं। फिर है हमारा सार्वभौमिक ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान में हमने देखा, कल मैंने आपको बताया था सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सत्य होता है। स्थानीय ज्ञान को हम नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा स्थायी हो, लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान जहाँ तक है वो हमारा स्थायी होता है, यानी कि वो जैसा इस देश के लिए है अगर हम इस देश की चीज करें तो उस चीज को दूसरा देश भी मानेगा, यह हमारा सार्वभौमिक ज्ञान है। हम कह रहे हैं कि सूर्य हमारा पूरब से उगता है, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये हमारा सार्वभौमिक, ये एक वैश्विक स्तर का ज्ञान होता है। सार्वभौमिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं ये एक वैश्विक स्तर का ज्ञान होता है, ये हमारा एक जो हमारा ये हम कहते हैं
जितने हम इसमें यह ध्यान रखें विश्वास की बात, तो स्थानीय ज्ञान की अपेक्षा हमें सार्वभौमिक ज्ञान में ज्यादा विश्वास होता है। सार्वभौमिक जो सभी जगह का समान होता है, यानी कि जो हम ज्ञान में है माना वो सभी के लिए समान है। इसमें सबसे पहले आता है वैधता, सबसे पहले जो आती है हमारी वैधता, सॉरी गुणात्मक को मैंने वैधता, इसमें आएगी वैधता, वैलिडिटी, हमारी विश्वसनीयता, यानी कि जब हम किसी चीज में वैधता का मतलब है जो कि हमने जांचा परखा होता है, जिसे हम वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में कह सकते हैं। वैध जो हमारा वैज्ञानिक जांचा परखा हुआ होता है, जांच करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारा होता है वैधता। सेकंड है हमारी विश्वसनीयता, इसमें हम विश्वास करते हैं, यहाँ हमारे पास वैधता प्रमाण मिलता है, लेकिन ये है हमारा एक अनुभव, विश्वसनीय हमारा अनुभव होता है, यानी कि हम इसमें अनुभव के द्वारा विश्वास करते हैं। यहाँ हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमाणित होता है ये ज्ञान हमारा, प्रमाणित होता है चाहे वो किसी रिसर्च के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा, किसी शिक्षाविद के द्वारा, किसी के द्वारा भी वैध होता है, वो एक जांचा परखा होता है। यहाँ हमें अनुभव के आधार पर हम उस पर विश्वास करते हैं। तो कहते हैं सार्वभौमिक ज्ञान में वैधता भी होती है, विश्वसनीयता है और प्रमाण। जब हम वैधता है तो उसमें प्रमाण तो होगा ही, क्योंकि वैधता जब ही लागू होती है जब हम उसमें प्रमाण देते हैं। यहाँ कोई भी वैज्ञानिक अपना प्रमाण देते हैं इस चीज को कि हमारा जो किया हुआ कार्य है वो हमारा कार्य सही है या गलत। अर्थात सार्वभौमिक ज्ञान में हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा प्रमाण होता है उस चीज का कि ये चीज हमारी सही है। अब देखें हम मूर्त स्वरूप सार्वभौमिक कहते हैं कि जब हम विचारों का, जितना हम विचारों को अमूर्त रूप में देखते हैं, हम हमारे विचार को उतना स्पष्ट नहीं कर पाते हैं जितना कि हम जो भी हमारा टॉपिक हो, जिस चीज के बारे में हम जानकारी लें, या जो विचार हमारे मस्तिष्क में उपज हो रही है, उन मस्तिष्कों को हम प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में ग्रहण करें तो वो ज्ञान हमें जल्दी ग्रहण होता है। अर्थात कहते हैं कि अमूर्त विचार हमारे जो मस्तिष्क में है, हम उनका वर्णन जल्दी से नहीं कर सकते, या कहें तो हम उन्हें जल्दी से समझ नहीं सकते, लेकिन मूर्त स्वरूप को हम साक्षात देखकर या प्रत्यक्ष रूप पर देखकर हम उसे बहुत जल्दी उसको समझ पाते हैं। अर्थात मूर्त स्वरूप ज्ञान को हम जल्दी, बजाय अप्रत्यक्ष और अमूर्त ज्ञान के, हम मूर्त स्वरूप ज्ञान को जल्दी समझ पाते हैं। उसको समझने में हमें आसानी प्राप्त होती है, मूर्त ज्ञान को समझने में, और हम उस कार्य को जल्दी करते हैं। अब आता है हमारा नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष सार्वभौमिक ज्ञान में हमारे नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखा जाता है कि हम किस तरीके से, क्योंकि इसमें हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो हमारा प्रमाणित होता है, हमारे क्या नैतिक कर्तव्य है, हमारे कार्यों का विभाजन, हमारे कार्यों का विभाजन होता है, और हम उसे नैतिक दायित्व समझकर हम उसे निर्वाह करते हैं। जैसे हम देखें कि एक साइंटिस्ट जब अपना किसी चीज का, वैज्ञानिक उस चीज की शोध करते हैं, तो उनका नैतिक कर्तव्य उस रिसर्च में जाकर वो अपना जो नैतिक कर्तव्य निभा रहे हैं उस चीज के बारे में, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो उनका नैतिक कर्तव्य है, उस चीज को वो हमें दे रहे हैं, ये हम उसे ग्रहण करके अपनी हर चीज को उसमें पूरा कर रहे हैं। फिर है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान को हम एक तरीके से, जैसा हमने कहा है, इसमें वैधता है, विश्वसनीयता है, प्रमाणिकता है, तो ये ज्ञान किस श्रेणी में आ गया, वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में आ गया। अर्थात ये ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अभी हमने देखा स्थानीय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान। स्थानीय ज्ञान में जहाँ हम सिर्फ स्थान विशेष से संबंधित है, लेकिन ये वैज्ञानिक ज्ञान पूरे देश से संबंधित होता है, तो इसे बिना वैज्ञानिक से प्रमाणित किए हुए हम उन कार्यों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। तो कहा जाता है कि सार्वभौमिक ज्ञान एक वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में भी आता है, ये हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है। अब है हमारा अनुसंधान। अनुसंधान जहाँ हम इन चीजों की रिसर्च करते हैं, उन चीजों को जांचते परखते हैं, यानी कि वैधता, विश्वसनीयता, प्रमाणिकता, ये हमें कहाँ से मिलती है, अनुसंधानों से। आज का तो जो हमारी विधि है वो ही हमारी क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान। इसी के आधार पर जो हम बच्चों को जो प्रैक्टिकल काम करवाते हैं
बच्चे उस कार्य को करें। इस वैज्ञानिक ज्ञान में क्या होता है, हम एक लैब में बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं वो भी तो हमारे विज्ञान से संबंधित है, वो भी हमारे वैज्ञानिक। हम कह दें कि हाइड्रोजन वायु से हल्की होती है, तो ये कौन प्रमाणित कर रहा है, वैज्ञानिक, कहाँ पर, अपने अनुसंधान में यानी कि अपने रिसर्च में। ये क्रियात्मक कि किस तरह से उन्हें इसको प्रमाणित किया है कि हाइड्रोजन है जो हमारे वायु से हल्की होती है। अब हमारा मूल्यांकन, कहा जाता है कि जो सार्वभौमिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है वो असीमित होता है, उसमें हमें हर प्रत्येक पॉइंट को देखा जाता है कि क्या हमारे विषय में, क्या हमारे टॉपिक में वैधता है, विश्वसनीयता है, प्रमाणिकता है, क्या हम उसको ग्रैंड कर रहे हैं, उसका मूर्त स्वरूप भी हमारे सामने की, यानी जो व्यक्ति उसको समझ ना पाए तो हम उसका मूर्त रूप उसको सामने प्रत्यक्ष उस चीज को दिखाकर हम उसे समझा सकते हैं। ये आता है हमारे मूर्त स्वरूप की श्रेणी में। फिर उसका जो नैतिक पक्ष है वो होता है कि जब हमने मूर्त स्वरूप दिया है तो जो कार्य हम उसको समझाना चाह रहे हैं हम उन कार्य का विभाजन किस तरह से करेंगे, या हमारा नैतिक पक्ष होगा कि उसका जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसे हम किस तरीके से, किसको उस कार्य की करने की योग्यता है और हम उसको वो कार्य दे सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान, क्योंकि जब तक मूल्यांकन होगा तो उसमें वैज्ञानिक ज्ञान की प्राथमिकता होगी। बिना विज्ञान के कहा जाता है कि विज्ञान आज का युग है, हम बिना विज्ञान के, हम देखें तो जान कहते हैं, कई बार हम धार्मिक स्थानीय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में देखें तो ये वैज्ञानिक ज्ञान इसको जो हमारे धार्मिक ज्ञान को पता ही नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं धार्मिक ज्ञान हुआ स्थानीय, ये हमारे विश्वास पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो हमारे प्रमाण पर आधारित है, ये हमारे प्रमाणिकता पर आधारित है कि हमें ये कार्य जो हमने किया है अनुभव, यानी कि हमारे अनुभव से ज़्यादा ये हमारे क्रियात्मक पर आधारित है कि हमने वो कार्य किया है तब हमें इस चीज़ के बारे में पता चला है। अनुसंधान यानी वैज्ञानिक जहाँ चीज़ों का कार्य करते हैं, बिना अनुसंधान, बिना लैबों के, बिना रिसर्च के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है कि मूल्यांकन में जो हम इसका मूल्यांकन करते हैं सार्वभौमिक ज्ञान का, वो ऐसे भी क्षेत्र होते हैं और उसमें हम वैधता विश्वसनीयता का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज जो हमने स्थानीय ज्ञान की विशेषताएं और सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषताएं, इन दोनों ज्ञानों की विशेषताओं में हमने अंतर देखा है। जहाँ हमने देखा है कि ये सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित है, लेकिन जो हमारा सार्वभौमिक ज्ञान है वो कौन सा है, हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि ये संस्कृति पर आधारित होता है लेकिन ये हमारे विज्ञान पर आधारित होता है। यहाँ कहा जाता है कि यह परिवर्तन होता है, स्थानीय ज्ञान परिवर्तनशील है, लेकिन हमने देखा है कि सार्वभौमिक ज्ञान में हमें वैधता और विश्वसनीयता, इसीलिए ये एक लंबे समय तक स्थायी रूप से रहता है, लेकिन स्थानीय ज्ञान हमारा अस्थायी होता है। तीसरा था हमारी परंपराएं, हम परंपराओं में हम देख सकते हैं हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारी जो नृत्य है, ये सब परंपराएं, हम किस तरह से हमारे तीज त्यौहार मनाते हैं, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन यहाँ जब हम देखें तो ये मूर्त स्वरूप को, यानी कि जो है, जो दिखने वाला है, उस पर ध्यान देता है, अर्थात वो अविचारिक नहीं, वैचारिक के साथ साथ उसका मूर्त रूप भी देखना चाहता है, यानी जो हमें दिखाई देने वाला है। इसमें बताया हमारा सामाजिक मूल्य, अर्थात हमारा खान पान, रहन सहन, यहाँ हमारा नैतिक पक्ष, यानी कि नैतिक पक्ष हमारा कब उजागर होता है, व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है कि व्यक्ति क्या नैतिक कार्य कर सकता है। यहाँ खान पान सामाजिक मूल्य को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम यहाँ नैतिक पक्ष को ध्यान में रखेंगे कि हमारे नैतिकता, हमारी योग्यता के आधार पर हमारे क्या नैतिक कर्तव्य है, अर्थात हमारे कार्यों के प्रति, हमारे कार्यों के प्रति, जो भी हमारे कार्य है, कार्यों का विभाजन है, उसके प्रति हमारे क्या दायित्व है। यहाँ हमने देखा इसके क्षेत्र सीमित होते हैं, लेकिन इसका जो हमने देखा है सार्वभौमिक ज्ञान का हमारा क्षेत्र असीमित होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है, इसे हम जहाँ एक स्थान विशेष से, लेकिन ये तो हमारे पूरे देश से लेकर और देश से बाहर भी हमारा ज्ञान जाता है, तो उसके क्षेत्र असीमित होते हैं। हमने देखा इसमें इसके आंकड़े गुणात्मक होते हैं, लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान के जो आंकड़े हैं वो मात्रात्मक होते हैं, हम उन आंकड़ों को जांच के, परख के, और फिर हम उनको सामने लाते हैं। ये हमारे गुणात्मक, इनमें चेंज हो सकता है,
लेकिन मात्रात्मक में चेंज नहीं हो सकता, वो हमारे पास जांच परख के हमारे सामने आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्थानीय ज्ञान की विशेषताएं, स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषताएं। जो कल मेरा टॉपिक होगा वो होगा आपका धार्मिक ज्ञान, यानी कि अभी हमने आपको एक चीज बताई थी धार्मिक ज्ञान और सार्वभौमिक। सार्वभौमिक हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में भी वैज्ञानिक ज्ञान का भी दर्जा देते हैं। कहते हैं कि धार्मिक, वैसे धार्मिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक ज्ञान का दोनों का मैं आपको कल अच्छे से बताऊंगी। थोड़ा सा मैं आज बताना चाहूंगी धार्मिक ज्ञान यानी कि जो हमारे धर्म पर आधारित है। अगर सिंपल हम देखें तो ये हमारे विश्वास पर आधारित होता है, लेकिन जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है, धार्मिक ज्ञान है, वो तो विश्वास पर है। लेकिन कहा जाता है कि धार्मिक ज्ञान और विश्वास, हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, इन दोनों में हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान धार्मिक ज्ञान का अपवाद रहा है। अब वो धार्मिक ज्ञान को कभी नहीं मानते, इन दोनों के बीच के विश्वास में खाई है। क्योंकि जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है वो आज हमारे करके सीखने पर है, वो हमारा विश्वास नहीं, वो हमारे अनुभव पर आधारित है, हमारी क्रिया पर आधारित है। लेकिन जो धार्मिक ज्ञान है वो हमारे विश्वास पर आधारित है। तो कल जो मैं पढ़ाऊंगी वो होगा आपका धार्मिक ज्ञान और हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। धन्यवाद।